हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो वीडियो है कुछ खास होने वाला है। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो नवरात्र स्पेशल है। और नवरात्र में यूजुअली जो वर्किंग वुमेन्स है और हस्बैंड्स हैं जो व्रत रखते हैं और शाम तक आते आते थक जाते हैं, और उनको एक ऐसे खाने की नीड होती है जो व्रत के लिए स्पेशल हो, जो व्रत के लिए भी हो और जो थोड़ा सा हटके भी हो। तो ऐसे ही कंसेप्ट लेकर आज हम आपके पास आए हैं एक जगह पे। जगह के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा कि जगह का नाम क्या है। और इन्होंने एक स्पेशल थाली इंट्रोड्यूस करी है और ये थाली 8 तारीख तक ही अवेलेबल रहेगी। सो चलिए आज आपको एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, और जिन्होंने भी व्रत रखा हुआ है और जिन हस्बैंड वाइफ ने भी व्रत रखा हुआ है वो लोग भी यहाँ पे आके यहाँ के खाने को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे तक भी लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। चलिए, आज हम आए हैं द फर्न में और यहाँ का जो नवरात्र स्पेशल जो उन्होंने स्टार्ट किया है, नवरात्र फीड जो नवरात्र थाली है इनकी, इसको टेस्ट करने के लिए और उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप लोगों के लिए दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़, जो थाली है यहाँ पे जो नवरात्र व्रत के लिए जो थाली रखी है उन्होंने, उसकी जो कॉस्टिंग है वो है 600 रुपीज़ पर पर्सन। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो है इन्होंने जो ये ऑफ़र रखा है, जो नवरात्र थाली अवेलेबल है वो है 8 तारीख तक। तो आप 8 तारीख से पहले पहले और 8 तारीख तक यहाँ पे आ सकते हैं, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम किचन में चलेंगे, हम देखेंगे कि ये जो नवरात्र थाली है उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर की है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो थाली में 11 तरह के जो आइटम हैं वो रखे हैं, वो 11 आइटम कैसे हैं ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। तो चलते हैं। फाइनली मेरी थाली आ चुकी है और थाली में जो मैं देख रहा हूँ ये टोटल 11 आइटम्स है, और कुछ कुछ को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं जानता इसमें और क्या क्या है। तो इसलिए मैंने गोविंद जी हैं यहाँ के जो शेफ़ हैं, उन्होंने ये सारा प्रिपेयर किया है, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे बैठा दिया है कि वही बताएंगे मेरे को कि यहाँ पे क्या क्या है। हेलो शेफ़, हाय। प्लीज़ मेरे को ये बताइए, जो व्रत की थाली है इसमें क्या क्या है? ये अपना आलू जीरा,
जी, कट फ्रूट, ओके, साबूदाना खिचड़ी, ओके, आलू दही वाला पटेटो चिप्स, लौकी की खीर एंड समग्र राइस खीर, ओके, एंड सिंघाड़े की कड़ी और स्वीट लस्सी जी, साबूदाना पापड़ एंड कुट्टू की पूरी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए शेफ, जो नॉर्मल थाली होती है और व्रत की थाली होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है, मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें? नॉर्मल थाली और व्रत की थाली में डिफरेंट है कि नॉर्मल जो थाली है वो अपना ऑल ओवर सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स ऑल ओवर यूज करते हैं जी, और जो व्रत की थाली है एक तरह से फलाहार तो बोलते हैं, जिसमें सेंधा नमक यूज करते हैं जी, और सेंधा नमक और हल्का सा जीरा और ग्रीन चिली बस, तो ये आइटम है। अच्छा इसमें क्या कड़ी भी है? कड़ी टाइप मतलब दही से बनाया हुआ है। ओके, क्योंकि इसका जो कलर है उसमें थोड़ा सा दही वाला फ्लेवर आ रहा है, मतलब दही वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है बिल्कुल दही वाला। ओके, तो कोई इसमें कोई रूल्स हैं, कहाँ से शुरू करते हैं या क्या करते हैं, या फिर जैसे पहले अपन शुरू करते हैं, जैसे अपन आलू जीरा बनाया जी, उसके बाद अपन आलू दही वाला, ओके, उसके बाद साबूदाना खिचड़ी, ओके, उसके बाद अपन सिंगाड़े की कड़ी, ओके, उसके बाद स्वीट्स ठीक है। पापड़ एंड पूरी कुछ। ओके, तो शुरू करते हैं खाना और आपको बताते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। चलिए, सो मेरी थाली आ चुकी है और मैंने पता भी कर लिया है शेफ़ से कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट शुरू करते हैं, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ रखना पड़ेगा और सब्ज़ियाँ भी यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, और कुट्टू की जो पूरी है उसके साथ मुझे सबसे पहले मैं ये आलू की सब्ज़ी ट्राई कर लेता हूँ। बहुत अच्छी सब्ज़ी है जो ये जीरा आलू है, बिल्कुल ऑब्वियसली व्रत की सब्ज़ी है, कोई मसाले वगैरह तो होते नहीं है इसमें, बहुत लाइट होता है, लेकिन ये टेस्टी इतना है, इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आज आप इसको नॉर्मल डेज में भी खा सकते हो, बहुत शानदार। जीरा आलू खाने के बाद अब हम इसमें एक और दूसरी सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं, ये है दही आलू। इसका जो प्रिपरेशन है वो दही के साथ किया गया है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा होगा, तो एक बार इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास इस थाली के बारे में बताने के लिए। अगर आप लोगों ने व्रत रखा हुआ है और आप लोग व्रत के टाइम में कुछ अच्छा व्रत का खाना चाहते हैं, तो आपको द फन ज़रूर आना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि 8 तारीख तक अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप 8 तारीख से पहले और 8 तारीख तक कभी भी आ सकते हैं और इस थाली को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली इनके बुफे भी होता है, अगर किसी ने व्रत नहीं रखा हुआ है और नॉर्मल बुफे के लिए आना चाहता है तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और बुफे एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। लोकेशन भी आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर भी दे दूँगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने सीट्स बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस व्रत की थाली के लिए आपको पहले फ़ोन करके रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेड बनाते हैं, तो उतना ही बनाते हैं जितना ऑर्डर आता है। तो आप जब भी यहाँ पर आए व्रत की थाली के लिए आएँ तो आप रिजर्वेशन ज़रूर कराइएगा फ़ोन पर। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है ये साबूदाने की खिचड़ी। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मैं घर में भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं व्रत रखूँ ना रखूँ अगर घर में मम्मी साबूदाने की खिचड़ी बनाती है तो मैं ज़रूर इन्जॉय करता हूँ इसको। तो पहले हम साबूदाने की खिचड़ी ट्राई करते हैं। सो साबूदाने की खिचड़ी जहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी डाला हुआ है, धनिया है, हरी मिर्च है, तो वैसे भी मुझे किसी भी चीज़ में अगर कड़ी पत्ता डाल दूँ तो मुझे वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है हर चीज़।
एक चम्मच और खा लेके देखता हूँ मैं। इट्स रियली अमेजिंग। मेरे हिसाब से गार्गी को भी साबुदानी की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो वो कैमरे के पीछे है, मैं उसको कैमरे के आगे बुला लेता हूँ कि वो भी इसको एक बार ट्राई करके देखे। हेलो एवरीवन, सो गार्गी आ गई है मेरे पास, और गार्गी को बुलाने का रीज़न ये था कि इसको साबुदानी की खिचड़ी बहुत पसंद है। yes. और ये साबुदानी की खिचड़ी खा के इसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। लो खा के देखो। और इसे बहुत अच्छे से पता था कि मुझे साबुदानी की खिचड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि अगर ये मुझसे शेयर नहीं करता तो फिर तो गॉड ही नोज़ इसका क्या होता। वेरी नाइस एंड स्पेशली अभी जैसा सुजॉय ने मेंशन करा कि कड़ी पत्ते के साथ में इसका टेस्ट बहुत ही बहुत अच्छा, फ्रेग्रेंस इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। सो दिस इज़ रियली वेरी वेरी नाइस। सो ये त्यौहार की थाली जिसके बारे में सुजॉय आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, शेफ ने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आज ये पूरा का पूरा आपको सुजॉय ही बताने वाले हैं। आज मैं बिल्कुल ऑफ कैमरा रहने वाली हूँ। सो ये बहुत सारे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिशेज हैं जिनके बारे में सुजॉय आपको एक्सप्लेन करेगा, और ऑफ कैमरा उनको टेस्ट हम दोनों मिलकर करने वाले। सो पहले जो आइटम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है शमक की खीर। मैंने शायद कभी खाई नहीं है, मैं खा के देखता हूँ। बहुत हल्के चीनी के साथ बनाया गया है, बहुत लाइट चीनी है इसमें, लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग है, वेरी नाइस। और इसके बाद एक चीज़ और बनाई है उन्होंने, ये बनाई है लौकी की खीर। लौकी की खीर होती है लेकिन मैंने सुनी नहीं है कभी, मैंने खाई नहीं है कभी, तो ये भी आप खा के देखते हैं। इसमें जो मीठापन है वो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा मीठा है और बहुत ही फ्रेश कर रहा है आपको खाना खाने के बाद। तो एक आइटम ये भी है, इसको कहते हैं सिंघाड़े की कड़ी। हाँ, ये नमकीन है, ये मुझे पहले खाना चाहिए था जो कि मैं बाद में खा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, नॉर्मल कड़ी जैसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट में जो बचा है वो बचे हैं फ्रूट्स और ये चिप्स आलू के। आलू के चिप्स के बारे में तो कुछ बताने जैसा होता नहीं है, आलू के चिप्स जैसे ही होते हैं। साथ में इन्होंने फल भी दिए हैं जिसमें इन्होंने वाटरमेलन दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो है इनकी व्रत की थाली है और 8 तारीख तक अवेलेबल है। एरिया गूगल डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, रिजर्वेशन के लिए जो नंबर है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, और अगर आपको यहाँ का एंजॉय करना है तो प्लीज़ ज़रूर आइए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इन्होंने व्रत रखा हुआ है और जो व्रत का खाना व्रत की थाली ढूँढ रहे हैं यहाँ पर। सो ये सब व्रत की थाली थी जो कि मैंने आपको बताई, और ये 8 तारीख तक अवेलेबल है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, आपको इसे खाना चाहिए, आके एंजॉय करना चाहिए। एरिया का डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा, गूगल लिंक आपको दे दूंगा, रिजर्वेशन के लिए कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने भी आपके फ्रेंड्स जोन में जिन्होंने व्रत रखा हुआ है उन तक शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए, जल्दी से जल्दी पहुँचाइए, जिससे कि वो भी इस डिलीशियस खाने को इंजॉय कर सके। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नई चीज़ को लेकर, किसी नए कंसेप्ट को लेकर, किसी नई कहानी को लेकर। आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।